मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। और आप मेरे बिहाइंड देख रहे होंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन पीएसआई एग्जामिनेशन 2021 और इन लोगों का फिजिकल क्लियर हो चुका है। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, कब इनका एग्जामिनेशन निकला था और कब इनका रिटन एग्जाम हुआ था और ये यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या क्या इनका फिजिकल का क्राइटेरिया होता है, उन्हीं सभी तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं वर्ष 2011 का मुख्य आरक्षी हूँ यू पुलिस विभाग में। और अब 2021 वाली भर्ती में मेरा UPSI के रिटन क्लियर हुआ है, उसके बाद फिजिकल मेरा यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो जैसे आपने 2021 में अपना फिजिकल दिया है और आपने रिटन क्लियर किया है, तो आपको जॉब करते हुए किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है? जॉब करते हुए कुछ समस्या का सामना करना पड़ता ही है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। उसी के साथ मैंने अपने समय को एक फ्रेंडली बना के यूटिलाइज करके उसका प्रयोग करके आराम से पेपर क्रैक किया। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी अगर मन से करना चाहे वो कर सकता है, चाहे ड्यूटी हो उसके साथ करना पड़े, किसी कार्य के साथ करना पड़े। चलो जी, मेरा नाम सोनू कुमार है। आपने मुझे इस चैनल पर पहले भी देखा था, तब हमारा रिटर्न क्लियर हुआ था। अब हमारी UPSI की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने 22 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली थी। हमारे को साथ प्रशांत तोमर, इन्होंने हमें बढ़िया तरीके से रनिंग की प्रैक्टिस कराई और अच्छी खासी मेरी रनिंग हो गई थी। इसका फिजिकल का टाइम कितना था रनिंग का? मेरा फिजिकल का टाइम 22 मिनट था और इन्होंने 28 मिनट में हमें कंप्लीट करनी थी। 28 मिनट में 4800 मीटर। तो आपका ग्राउंड था 12 चक्कर उसके लगाने। सेंटर कहाँ था आपका? मेरा सेंटर अलीगढ़ था। अलीगढ़ में तो आपका क्लियर हो चुका है? यस क्लियर। तो अभी आप वेट कर रहे हैं फाइनल मेरिट की? यस, फाइनल मेरिट आने के लग रहे हैं, चांस इस महीने आ जाए या नेक्स्ट महीने आ जाए। मैं अभी आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि हम अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, तो उसका कभी कभी बुरा असर देखने को मिलता है पहले, ठीक है? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें, हमारा इस फाइनल मेरिट में नाम हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंस चौधरी है और मेरा UPSI का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने खुद भी रनिंग करने की कोशिश की लेकिन 28 मिनट के कम मेरा टाइम आ नहीं पा रहा था। तो फिर हमारे कोच हैं प्रशांत तोमर, मख्याली स्पोर्ट्स एकेडमी वाले, तो उनके पास मैंने ट्रेनिंग की। उन्होंने अच्छे से हमारी ट्रेनिंग कराई, 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट और 400 मीटर के, 800 मीटर के उन्होंने स्प्रिंट लगवाए हमसे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा उसका और आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की अगर तैयारी करना चाहेंगे तो वो आपको अच्छे से करा देंगे। और फाइनली हमारी दौड़ हो गई है, सबकी हो गई है और मैंने वहाँ पे 24 मिनट में अपनी दौड़ कंप्लीट की है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंकुर कुमार है, मेरा UPSI में पेपर हो गया था, उसके बाद अब रनिंग हुई है। मेरा पहले 30 मिनट का टाइम आ रहा था, वो मैंने मख्याली स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद मेरा UPSI में 30 मिनट के समथिंग 22 में टाइम आ गया और फाइनली अब रेस हो गई। ये मेरा छोटा भाई है। मेरा नाम गोविंद कुमार है, मेरा 2021 में SSC का एग्जाम क्लियर हो गया था। उसके बाद अब आगे हमारा फिजिकल हुआ है जिसमें मेरा टाइमिंग 5 किलोमीटर का 21 मिनट में आया है। और मैंने प्रशांत सर के यहाँ मख्याली स्पोर्ट्स अकेडमी इन मुजफ्फरनगर में कोचिंग ली थी फिजिकल के लिए, जो जिससे गुरु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आया है मेरे फिजिकल में और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द वंडर स्वराज चैनल पर। ये मेरा साथी है यूट्यूबर, ये आपको पहले भी दिखे होंगे मेरी वीडियो के साथ, जो ये अभ्यर्थी खड़े हैं पीछे सभी, इन्हीं का जो फिजिकल से रिलेटेड जब स्टार्ट होने वाला था आप पे आए थे, जो ये अभ्यर्थी हैं फिलहाल जो UPSI वाले हैं सभी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मेरे पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए आए थे मख्याली स्पोर्ट्स अकेडमी में। मैं इन सभी का कोच हूँ। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, जो रिजल्ट की प्रतिक्रिया थी जो बताया गया है जो इन बच्चों द्वारा, सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे साथ और पूरा 100% इनका रिजल्ट रहा। कोई भी 15 अभ्यर्थी मेरे पास थे, एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं रहा जो फिजिकल जिसका क्लियर ना हुआ हो, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपना, बहुत अच्छा फिजिकल करा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनका शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी फाइनल मेरिट में इनका सभी का होल लेटर के साथ इनको आप लोगों को फिर दोबारा दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ताली बजा दो।